पिछले दिनों हुए बिहार विधानसभा में राजद विधायकों की पिटाई के विरोध में राजद ने एक दिवसीय बंद बुलाया। आज अगले सुबह से ही हाजीपुर में गांधी सेतु हाईवे रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश ससन के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर ये जाम देखने को मिला। वहीं इस दौरान शिवचंद्र राम भी अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़े। नीतीश कुमार लुच्चा है, लुच्चा है, लुच्चा है। नीतीश कुमार कचेरी है, कचेरी है, कचेरी है। नीतीश कुमार शरम करो, शरम करो, शरम करो। शरम नहीं तो दारू के बोतल में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार शरम करो, शरम करो, शरम करो। शरम नहीं तो दारू के बोतल में डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार शरम करो, शरम करो, शरम करो। और महिला विधायकों को पिटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार बंद की है क्या मांग? जिस तरह से विधानसभा के अंदर लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले सभा जो है, विधानसभा के अंदर जो है वो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। विधायकों के ऊपर बाहरी पुलिस बुला कर करके और मुख्यमंत्री के इशारे पर जिस तरह से कातिलाना हमला किया गया है, कितने दर्जन जो है वो विधायक घायल हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बेरोजगारी के लेकर के विधानसभा घेराव का आह्वान हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया था, उसमें जो है वो लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा पथराव किया गया, पहले से प्री प्लानिंग कर करके हमारे नेता के ऊपर हमला कराया गया, पत्थर से हमला कराया गया पुलिस के द्वारा। किस तरह का आप सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, किस तरह का राक्षस राज चल रहा है लगातार हम लोग देख रहे हैं। चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, वो पुलिस के पुलिसिया राज चलाना चाहते हैं पुलिस के द्वारा। विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ था, काला अध्याय उन्होंने लिखने का काम किया है। जिस दिन लोहिया जयंती है उस दिन उन्होंने काला अध्याय बनाने का काम किया है। हाथ भी टूटा आपका उसमें? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया विधानसभा के अंदर, और लाठी चार्ज नहीं किया गया, पिस्टल लेकर के मनीष कुमार एएसपी है वो तेजस्वी यादव जी से भिड़ गया अंदर, तेजस्वी यादव जी के से भी दुर्व्यवहार किया है। और हम लोगों का तो देख ही रहे हैं आप, हाथ तोड़ दिया गया है। हम लोग पूरा बिहार के हर एक नौजवान, युवा, बेरोजगार, किसान, आज किसान बिल के खिलाफ हो या फिर जो पुलिसिया राज के तहत जो काला कानून आया है, बिहार पुलिस अधिनियम जो आया है, विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं।